दीदी तो आएगी फिर। दीदी आएंगी? हाँ। यानी इस बार हैट्रिक पूरी पूरी। अरे मोदी मोदी एक नंबर है, सारा वर्ल्ड जान रहा है, मालूम है, देखो देखो क्या होता है। दीदी को तो जय श्री राम से डर लग रहा है। वो तो कौन डरता है, भूत प्रेती मालूम है, जय श्री राम बोलेगा तो दूर रहेगा। मेला होबे इस बार? ए बार होबे दीदी, दादा दीदी जीतबे, दादा हेरे जाबे। चेंज होना चाहिए, होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान, इस वक्त कोलकाता जी रोड पर मौजूद हूं, क्योंकि यहां पर चुनाव है। एक तरफ दीदी है जो पिछले 10 साल से सत्ता चला रही है, और एक तरफ अब बीजेपी भी आ चुकी है, कांग्रेस और सीपीएम भी है, यानी लेफ्टिस्ट भी है, जिनका जबरदस्त राज रहा है। लेकिन इस बार क्या होगा उनका? इस वक्त एमजी रोड पर हैं और यहां पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कि आखिरकार वो क्या समझते हैं इस बार राजनीति को लेकर, चुनाव को लेकर। कुछ भाई साहब है, आइए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सर क्या नाम है? वसीद हुदैत। किस तरह से देख रहे हैं चुनाव? फिर आ गए हैं, 10 साल तो ममता दीदी का राज रहा है, इस बार बीजेपी जबरदस्त तरीके से यहां पर प्रचार प्रसार में लगी है। टक्कर कैसी है, दीदी या दादा? दीदी तो आएगी फिर। दीदी आएंगी? हाँ। यानी इस बार हैट्रिक पूरी पूरी। क्या काम रहे जिस काम पर इस बार आप दीदी के साथ? एक्चुअली बहुत काम किया है जनता के लिए, अभी जो शस्त्र शादी काम किया है, और पूरा आम जनता के लिए बहुत अच्छा काम किया है। आम जनता के लिए काम? हाँ हाँ हाँ। महंगाई खत्म हो पाई क्या कि नहीं? और इस बार जो मोदी उधर से दम लगा रहे हैं, यहाँ पर तमाम बीजेपी के नेता लगे हुए हैं कि हम अच्छी सरकार देंगे, विश्वास है मोदी पर? करनी विश्वास है वो लोकसभा के लिए, यहाँ पर नहीं है, वो दीदी यहाँ पर आएगी, यहाँ पर दीदी पर विश्वास है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दीदी के पैर में भी चोट लगी, बीजेपी कह रही है कि नाटक हो रहा है, आपको क्या लगता है? वो एक्सीडेंट ही है सर। एक्सीडेंट ही है, यानी कोई धक्का मुक्की नहीं? हाँ, नहीं, 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 नहीं। बाकी दीदी कैसी है? दीदी अच्छी है, सभी दीदी का ये करते हैं। विश्वास है भैया कुछ रोजगार में हो पाया कि नहीं? दीदी एका लड़ती है, आज दुनिया दीदी पर लड़ती है, दीदी एका, दीदी एक से एका, ऑल दीदी एक ही है, दीदी एक ही है, ऑल दोम। उनके सामने कोई नहीं टिकता? कोई नहीं टिकता, दीदी एक ही है। आप क्या देख रहे हो जी, 10 साल दीदी का राज कैसा रहा? ठीक ही रहा, ठीक ही रहा, बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। तुम इतना गुस्से में काहे भाग रहे हो? हम क्या बोले दीदी, दीदी अच्छा है, हाँ सब अच्छा है, जा करता है दीदी करता। और दादा? दादा तो फालतू, ये लोग तो खाली राजनीति करना। मेला होबे इस बार? ए बार होबे दीदी, दादा दीदी जीतबे, दादा हेरे जाबे, दादा रे कोई वोट देवे ना, कोई वोट नहीं देगा, देगा कोई नहीं देगा, कोई नहीं देगा ना, कोई नहीं। चलिए इधर भी लोग हैं, भैया क्या होगा, दादा या दीदी? दीदी। क्यों? दीदी क्योंकि अच्छे है, दीदी दीदी जो है अपने कलकत्ता के लिए रास्ता काम का जो भी है, जैसा लड़की लोग का इनर मतलब जो भी मतलब कन्नसी, फिर उसके लोग उसको मतलब जुगुर सी। और लग रहा है इस बार दीदी कुछ डरी डरी सी है, इस बार दीदी बीजेपी के आने से कुछ घबराई सी, कुछ गुस्से में है, लेकिन फिर भी दीदी निकल जाए। आपको क्या लग रहा है, गुस्सा काम करेगा क्या दीदी का, कि मोदी का जलवा काम करेगा? दीदी का काम करेगा, दीदी का काम करेगा, हाँ दीदी आएगा जरूर। तो चलिए और भी लोग मार्केट में, वहाँ चलते हैं, वहाँ बात करेंगे। ये देखिए इस वक्त एमजी रोड पर है और लगातार मार्केट है, शाम का वक्त है। क्या क्या नाम है भाई साहब? सजलनाथ। सजलनाथ जी, दीदी या दादा किसका जलवा चलेगा इस बार बंगाल में? ये नहीं बोल सकता है। दिल क्या कह रहा है? दिल भी हमको राजनीतिक में नहीं है मन, हमको हमारा दुकानदारी में मन रखता है। वोट देंगे कि नहीं? वोट तो देना है, छुपा के देंगे, छुपा के देंगे, बताएंगे नहीं अभी नहीं। अच्छा, महंगाई जा पाई बंगाल से कि नहीं? महंगाई तो ऑल इंडिया बेसिस है, बंगाल में सिर्फ तो नहीं है, नहीं ऑल इंडिया बेसिस महंगाई है। साल में कौन से वो काम हुए जिन पर गर्व किया जाए? नहीं दीदी काम अच्छा किया, ये बात सही है, बढ़िया किया, अच्छा काम किया, ये तो मानना पड़ेगा। गरीबों के लिए कुछ हो पाया कि नहीं? नहीं मिल रहा है, 5 रुपया में खाना खिला रहा है, अंडा पे हर जगह में, हर कलकत्ता हर जगह में, सब जगह में, ऑल वेस्ट बंगाल में खिला रहा है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो इस बार दीदी आ रही है? वो बात योगी जी आए थे, वो कह रहे 2 तारीख को दीदी गई। नहीं नहीं, काम अच्छा किया ये मालूम है। 2 मई को कौन जा रहा है? दीदी आएगा, दीदी आएगा, और दीदी जाएगा कौन? देखो फ्री से चाल दीची, आबार की देवे, और बोले बार बार ऐसे एक बारी वो बारी खवाते तो खाए नहीं, बंगाली का रान्ना अच्छा है ना, इसलिए आना आना जाता है, बंगाली का खाना ऐसे हिंदी
নেনে বাংলাদেশে বসে ওরা খাওয়ার জন্যই আসে আর কিছু নেই ওরা ওদের রান্না তো ভালো না বাঙালি হাতে রান্নাটা এত সুন্দর তো ওই জন্য খেতে আসে বারবার ইফতার বাইতে ঢুকে তো এমজি রোড পর লোক লাগাতার আ রহে হ্যায় আপনি রায় রখ রহে হ্যায় উধর ভি হ্যায় হমনে বাত কি অর ভি আপকা ক্যা নাম হ্যায় জি নানক সেঠ নানক সেঠ জনতা সেঠ বনেগি নাহি 10 সাল মে 10 সাল মে জনতা তো সেঠ অভি তক বনি নাহি হ্যায় অভি তক নাহি বনি কোন বনায়েগা সেঠ যহাঁ তক উম্মীদ হ্যায় বিজেপি তো পহলে সে সেঠ হো মোদি বনায়েগে কি নাহি বনা সকতে হ্যায় আয়েঙ্গে কি নাহি आने का तो उम्मीद है आना है आना है वो तो कह रही पैर में चोट मार दी उन्होंने है? दीदी कह रही है पैर में चोट मार दी मेरे अगर दीदी कह रही है पैर में चोट उन्होंने मार दिया हाँ। तो उनको चोट किसने मारा अच्छा मोदी का जलवा बंगाल में चलेगा कि नहीं बिल्कुल चलेगा और उनका रुतबा अभी तक शुरुआत तो अच्छा ही है अच्छी है अच्छा है आसपास के लोग क्या कह रहे हैं अभी मोदी जी को तो चाह रहे हैं अभी सबको और जो बाहर निकल के कह रहे हैं कि दीदी सही है देखिए अपना अपना नजरिया है अब दीदी तो 10 साल में जो भी कुछ किया उन्होंने उससे बढ़िया तो मोदी जी किए ही है मोदी जी किए हैं बिल्कुल किए हैं वो तो सत्ता दिल्ली से चल रही है वो बढ़िया चल रही है ये तो वही लोग ही बता सकते हैं नहीं, आपको भी तो दिखता हुआ लॉकडाउन में कुछ मदद हो पाएगी सरकार की कि नहीं बिल्कुल हो पाई है बिल्कुल हो पाई तो दादा या दीदी दादा ही जीतेंगे दादा लो भाई इन्होंने तो दादा पे मोहर लगाई बाकी कुछ लोग दीदी पे लगा रहे हैं और भी नए लोग इकट्ठा हो गए क्यों जी दादा या दीदी ना, तो बोल दिया दीदी हाँ, हाँ, दीदी यहाँ पर ही रहेगा दीदी रहेगा और वहाँ पर मोदी रहेगा वहाँ पे मोदी हाँ जी यहाँ मोदी से बैर है हाँ, हाँ, हाँ। क्यों ये इंटरनल बहुत पॉलिटिक्स हो रहा है यहाँ पर खुद का जो अभी ज्वाइन किया है उसको दे रहा है सीट जो पहले से काम कर कैमरे पे बोल रहे हो बाद में कुछ और बटन नहीं 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 ऐसा कोई बात नहीं है नहीं 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 जो पहले से ही इतना साल काम किया है उसको सीन नहीं देके दूसरे को दे रहा है ये अच्छा नहीं हो रहा है आपको क्या लग रहा है अंकल जी दादा या दीदी इस बार क्या मन बनाया कुछ बदलने का मन बनाया है या फिर से वही चलने का जिला भालो हमें सेटी हमें चलने वाला हिंदी होता ही हमें बंगाली नहीं आती जेटा भाई कोलकाता जाल भालो बुझे सेटे करबे लोके हमरा आर की करू हमार वोटे देवार कथा वोट दिए देबो वोट देना बस हां ये नहीं बताएंगे कि दादा या दीदी दादा दीदी जे आसबे आसबे आर की करे खेला होबे ये तो बोलते खेला होवे सवाई तो बोलते तो ये जनता की अपनी राय है इधर कुछ और लोग हैं ये उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या समझ रहे हैं और कैसा चल रहा है बंगाल में सत्ता महंगाई रोजगार कुछ हो पाया कि नहीं नहीं चल रहा है चल रहा है दौड़ नहीं रहा दौड़ नहीं रहा है रुक रहा है जाम है क्या जाम है लॉकडाउन के बाद जाम है तो इस बार दादा या दीदी जो भी आए गरीब के लिए सोचे यही सबसे बड़ी बात है दीदी ने सोचा कि नहीं हाँ दीदी ने काम तो किया है कर नहीं किया ऐसा कोई बात नहीं है किया है लेकिन दीदी इस बार घबराई घबराई से क्यों दिख रही है वो तो वोट आने से सबका ऐसा अनुभव तो होता ही है वो जो भी है वोट के सत्ता ऐसा चीज है कि सबको अनुभव होता है हाँ सबका ऐसा होता है तो आपको दादा पे विश्वास है जो दिल्ली बैठे हैं या दीदी पे विश्वास है जो 10 साल से यहाँ बैठी है देखिए विश्वास तो कैसे बोला जाए दीदी के चेंज चाह रहे हैं क्या इस बार चेंज होना चाहिए होना चाहिए पर दीदी दीदी भी काम किए नहीं किया ऐसा कोई बात नहीं है हाँ बात नहीं है दीदी भी काम किए हैं मोदी खराब है क्या नहीं मोदी खराब के बाद नहीं बोल रहे देखिए खराब अब कैसे बताऊं जी दीदी का फोटो लगाया हाँ तो दीदी तो काम किए हैं हम तो बोल रहे हैं दीदी अच्छा काम किए हैं दादा 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 तो इस पूरा केंद्र में उसका लिए वो ठीक है वो ठीक है एकदम आगे से बहुत हम लोग के जैसे देश का बहुत हालत खराब था बहुत अभी सुधरा हालत हालत सुधरा है सुधरा है मुद्दा बढ़िया लगा मुद्दा मुद्दा बोला जाए तो देश का बॉर्डर उडर जैसे बॉर्डर पाकिस्तान पे हमला ना हमले की बात नहीं है जो आगे जैसे होता था कि कोई भी आए भारत में अटैक कर ले तो अब ऐसा नहीं है अब तो कोई भी करने का डरेगा ठीक है यानी लोगों डरा लोग में डरा दिया और अमित शाह यहाँ पे आके कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हुए हैं उनको भी भगाएंगे वो सही कह रहे हैं वो सही नहीं है मनुष्य हिसाब में वो सही नहीं है अच्छा जो है उन्हें रहने हाँ आप क्या देख रहे हो भाई जी दादा या दीदी दादा दादा ये
एकदम एकदम दादा ही आएगा। दीदी के सामने टिक जाएंगे दादा? कुछ नहीं, दीदी का ऐसा ही उठ गया, देखा ना अभी पहले कैसा कर रहा है। मोदी तो डर नहीं रहे दीदी के सामने? अरे मोदी मोदी एक नंबर है, सारा वर्ल्ड जान रहा है, मालूम है, देखो देखो क्या होता है। दीदी को तो जय श्री राम से डर लग रहा है। वो तो कौन डरता है, भूत प्रेती मालूम है, वो जय श्री राम बोलेगा तो दूर आएगा। 2 मई को क्या होगा? 2 मई को बीजेपी आएगा। पक्का? पक्का पक्का कह दिया इन्होंने तो, कहा कि बीजेपी आएगा। तो चलिए लगातार एक भैया और हैं। भैया क्या नाम है? मेरा नाम दीपंकर संद्रा। और दीदी या दादा? दीदी। दीदी तो है 10 साल से है। और दादा भी सामने आ गए। आगे वोटा कुछ व्यापार ना, किन्तु आश्चर्य आएगा तो कुछ नहीं, वो दीदी दीदी है। दीदी 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 है। 2 मई को क्या होगा? पलटेगा कि रहेगा? रहेगा। टीएमसी रहेगा, टीएमसी था रहेगा, टीएमसी था है और रहेगा। रहेगा। जाएगा नहीं? जाएगा नहीं। टक्कर रहेगी क्या? टीएमसी जिंदाबाद। कांग्रेस का क्या हुआ, वो कहाँ चली गई? वो सब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जिंदाबाद दीदी रहेगा। राहुल गांधी पे भरोसा नहीं? नहीं नहीं, राहुल गांधी का भरोसा नहीं है। राहुल गांधी पे क्यों भरोसा? वो यहाँ पर कोई आदमी नहीं है वहाँ से, ये जो यहाँ पर जो काम कर रहा है वो दीदी दीदी का दल में जो जो आदमी है ना वो सब नहीं। दीदी को देख के हम बोल रहे हैं ये दीदी भरोसा है, यही जिंदाबाद, दीदी जिंदाबाद है। तो चलिए इन्होंने तो अपना मोहर लगा दी, तुम पीछे ही करते रहो, बस आगे बढ़ने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। एक और है उधर उधर, इधर से इधर से। अंकल जी क्या हाल चाल है आपके? चाय मीठी है कि फीकी? चाय कम मीठी है। कम मीठी है। बंगाल में मिठास है कि कम ज्यादा? तो अब तो चल रहा है झाल मीठा दोनों बराबर। अब तो दीदी दादा दोनों सामने सामने, सभी ठीक है, लेकिन जो देखेगा हम लोग को, हम तो देखेगा दिल्ली वाले दादा या बंगाल वाली दीदी? दिल्ली तो बहुत दूर होगा, मेरा तो टंगड़ी में दर्द है। अच्छा। कहाँ उतना दूर मैं जाऊँ? तो यहीं पे देखना है। तो टांग का दर्द को ठीक करा दीदी ने कि नहीं? दीदी का तो अपना खुद टांग के दर्द आ गया, लग गया चोट। वो तो कह रही है मार दिया मुझे दर्द। उन्हें हमको मालूम, स्पॉट में हम थोड़ी थे, मैं तो नहीं था, उतना हमको पता कि चोट लग गया होगा। दीदी तो बाद में बोला चोट लग गया होगा। चलिए तुम खा रहे हो मीठा कि खट्टा? मीठा। मीठा। इस बार क्या होगा बंगाल में? इस बार दीदी आएगा। दीदी दादा की लड़ाई है जबरदस्त? लड़ाई तो है लेकिन आएगा दीदी। आएगा दीदी। तो ये राहुल गांधी और कहाँ है? राहुल गांधी? हाँ? राहुल गांधी तो इधर कोई नहीं, इधर है ही नहीं। नहीं। राहुल सिन्हा? राहुल सिन्हा है। अच्छा। लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है उसका। अच्छा, डिक्लेयर नहीं हुआ। और वो दिल्ली वाले राहुल नहीं आएंगे? ना दिल्ली वाले तो राहुल इधर तो, और वो लेफ्टिस्ट जिनकी इतने साल सरकार रही है उन पे भी भरोसा नहीं? नहीं उन पे कोई भरोसा नहीं। अच्छा। आपको क्या दिख रहा है जी, कुछ सुरक्षा की दृष्टि से कुछ हो पाया इस बार बंगाल में कि नहीं? सब एक है, सब एक है, सब एक है। अच्छा, दीदी या दादा में कौन सही लग रहा है, एक तरफ मोदी है एक तरफ ममता जी? दोनों एक है, दोनों एक सेम सेम। आपको किस पे भरोसा है? दोनों एक ही है सेम। नहीं 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 नहीं, सब एक है। मोदी पर विश्वास है? सेम, दीदी दादा दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम बना दिए। सेम। चलिए जी, तो इन्होंने तो दोनों सेम बना दिए और लगातार जनता अपनी राय रख रही है कि आखिरकार वो किस तरह से सोचती है, किस पर भरोसा है। आपका क्या नाम है? मिंटू सरदार। तो सरदार जी इस बार बंगाल का सरदार कौन बनेगा? बंगाल का सरदार जो डेवलप करेगा, जो कर रहा है, बंगाल का वोटर उसी को वोट देगा। इसलिए साहब पूरे हिंदुस्तान में, दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है हमको तो नहीं मालूम, लेकिन हम लोग को इतना बंगाल के लोगों को खबर है, जो हमारे ममता बनर्जी सीएम है वो यहाँ पर ही आपको कन्याश्री नाम का कोई जानता भी नहीं था कि कन्याश्री बोल के कुछ होता है। तो कन्याश्री के माध्यम से लड़कियों को बेटियों को सुविधा देना,
रूपोश्री जो शादी में पैसा मिलता है, गरीब लोगों को काम में आता है, उसके माध्यम से गरीब बाप को एक बेटी के लिए 25,000 कम सही लेकिन रुपया तो है, वो भी कर रहा है। दूसरी बात के स्वास्थ्य साथी बहुत से लोग उसके उपकार मिला है, कार्ड के जरिए उनके इलाज हुआ है, वो स्वस्थ उस चिकित्सा होकर वो बढ़िया होकर अपना घर आए हैं। जो योजनाएं चली हैं इस बार उन पे मतदान है। देखिए एक्चुअली में राजनीति तो है देश का उन्नयन डेवलप के लिए, देश का डेवलप माने पब्लिक का डेवलप, और पब्लिक का जो डेवलप करेगा वो रहेगा, डेवलप नहीं करेगा तो राजनीति क्या चीज का है, सरकार क्या चीज का है। हम तो सोचे, हम तो ये जाएंगे कि बाजार में हम जाएंगे 100 रुपया लेकर बाजार भर के हम लेके आएंगे थैला भर के, और 100 रुपया लेके जाएंगे दो अनाज लेके आएंगे, हम लोग 10 आदमी है कैसे खाएंगे, थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच बांट के खाना होगा। तो 100 रुपये में थैला भर रहा है कि नहीं? कहा भर रहा है, गैस का दाम तो हो गया 1,000 रुपया करीब करीब, तो गैस में तो पैसा चला जाएगा, तो हम बाजार क्या करेंगे, अब बाजार करेंगे तो गैस नहीं ले पाएंगे तो खाना पकाएंगे। किस मुद्दे पर, महंगाई पर, रोजगार पर, गुंडागर्दी पर लगाम, किस मुद्दे पर इस बार मतदान देने जा रहे हैं? हम लोग देखिए बंगाल में तो गुंडागर्दी है ही नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, हम भी बिजनेस मैन है, किताब का हमारा काम है, कोई ताके कहता नहीं कि भाई आप दुकान खोले हैं कमा रहे हैं हमको दीजिए 2,000 रुपया या 1,000 रुपया, आज तक ऐसा हुआ नहीं, कोई एक आदमी आके बोल दे ऐसा हुआ नहीं। गुंडागर्दी का छोड़ दीजिए आप, गुंडागर्दी करेगा तो नहीं चलेगा बंगाल में, क्या पुलिस है बहुत टाइट है। और दूसरा बात है कि बंगाल में काम हुआ, कोई बिंदास घूम रहा है, निश्चित घूम रहा है रास्ता में। लड़ाई कैसी देख रहे हैं, एक तरफ दादा हैं जो जबरदस्त यहाँ पर माहौल बना रहे हैं और उधर दीदी है जो कह रही है खेला हो बे। देखिये खेला होगा तो सही है, खेल तो राजनीति का चल ही रहा है, तब राजनीति का खेल है, जो डेवलप करेगा वो गोल देगा, जो मुंह से उखड़ी उखड़ी सी क्यों है दीदी, शांत नहीं है, बड़े गुस्से में। देखिए गुस्से में एक्चुअली इलेक्शन जब होता है तो टेंशन तो रहता है, टेंशन है 10 साल के सत्ता। देखिए 10 साल का हो या 25 साल का, टेंशन इलेक्शन में होगा ही, किसी का चेहरे से पता चलता है, किसी का पता नहीं चलता है, किसी का बोली से पता चलता है, लेकिन टेंशन तो होगा ही, होगा ही। क्या तारीख को क्या नहीं है, मोदी जी को टेंशन नहीं है, अगर बंगाल में अगर मान लिया उनको 0 हो गया तो इसका इफेक्ट तो पूरा हिंदुस्तान में पड़ेगा, वो उनको कह रहे हैं कि 0 से 200 पार, बोलने को कुछ भी कह लेंगे, बोलने को कुछ भी कह लेंगे, हम घर से परिवार को बोल के निकलेंगे कि हम जा रहे कलकत्ता, हम 2,000 रुपया कमा के आएंगे, और उसको बोलने से नहीं होता है ना, 2,000 रुपया कमा के लेके जाना होगा। ये बंगाल की एमजी रोड पर जनता थी जिन्होंने बेबाकी से अपनी राय रखी और लगातार जनता के बीच से बातचीत करते रहेंगे। आप भी लगातार जुड़े रहिए एडवाइंस इंडिया के साथ, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सहयोगी रोहित के साथ। नवीन चौहान, कोलकाता, हेडलाइंस इंडिया।